तबाह हो रही है। ये आ जाते हैं बम्पर क्रॉप चल रहा है, कौन सा बम्पर क्रॉप? किसान को पूछे खून के आंसू रो रहा है किसान, कौन सा बम्पर क्रॉप? हमें यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा, हमें यहाँ डीएपी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है ब्लैक में वो भी दो बोरी मुश्किल से मिलता है। आप बात क्या करते हैं लोगों के साथ? लोगों से पूछे जिनका दिल जल रहा है इस वक्त, चेयरमैन साहब इस वक्त रोटी कितनी महंगी है, इस वक्त चीनी कितनी महंगी है, लोग भूखे मर रहे, लोग पीट रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी सब कुछ अच्छा है। ये बात क्या कर रहे हैं? ये एनी मरीज, ओ सॉरी कुरतलैन मरीज सर, वो भी मेरा ही नाम है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर को बिठा दे सर, उनकी नौकरी पक्की हो गई है। फैसल फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर वजारत फिर भी नहीं मिलेगी जी, प्लीज नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अपना बात ये है चेयरमैन साहब अनरूली बच्चे, आपकी रिट ही नहीं है, आपकी रिट ही नहीं है। आप दो मिनट बैठ जाएं। चेयरमैन साहब आपकी रिट ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? आप बात करें, ये क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब आपकी रिट नहीं है। चेयरमैन साहब देखिए, 10 दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि मुल्क को बोलो देयर इज नो इन्फ्लेशन। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। हमारे फाजिल बेंचेस ने शुरू कर दिया बोलना, जी इन्फ्लेशन है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, नए पाकिस्तान में कुछ महंगा नहीं है। वो इनका एक स्पोक्स पर्सन है जो कॉमर्स पे स्पोक्स पर्सन है और फाइनेंस पे स्पोक्स पर्सन है, वो स्क्रीनशॉट लगा देता है कि जी नूडल सस्ते हो गए, महंगाई कहाँ है। ये तो इनका हाल है। ये इकोनॉमिस्ट की बातें करते, इकोनॉमिस्ट ये कहता है थर्ड हाईएस्ट दुनिया की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, 12.3% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, वी आर द थर्ड हाईएस्ट। ये बात क्या सदर पे बात करना चाह रही थी, उन्हें लिख के भेजा। ये नहीं सुनना चाहते हैं तो दूसरी बात है सर, इनको सच कड़वा ही लगेगा, इनको जाहिर सच कड़वा लगेगा। इस वक्त ये बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें, अपनी कुलीग की बात गौर से सुने, फिर आप अपने टर्म पे बोलें। सर मैं प्रेसिडेंट साहब की बात, 12 मिनट हो गए फैसल, मैं सदर साहब की ही बात कर रही हूँ। उन्होंने बड़ा फायदा किया हेल्थ में, अपने बेटे की डेंटल क्लिनिक का इनॉग्रेशन गवर्नर हाउस में कराया, बड़ा फायदा किया उन्होंने हेल्थ में। उनका बेटा जो है गवर्नर हाउस में बैठ के डीले कर रहा है अमेरिकन कंपनीज के साथ, ये फायदा किया हेल्थ में। हेल्थ कार्ड की क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ NICVD में 200 पेशेंट आते हैं, इनके जेम्स में 200 पेशेंट आते हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से 50 लाख का एक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हम मुफ्त में कर रहे हैं सिंध में। हम क्या करेंगे इनके 10 लाख के कैप का? ये जाए लिवर ट्रांसप्लांट करा के देखे, जब मुफ्त में इलाज करते थे, अब वो भी कहते हैं हेल्थ कार्ड बनवा के लाओ। ये इन्होंने हेल्थ कार्ड का ड्रामा शुरू किया है, और ये हमें क्या बता रहे कितने अकाउंट में कितने पैसे थे? अपनी फॉरेन फंडिंग छुपाते नहीं है सकते, जिसने इनको पैसे दिए, जिस इंटरनेशनल डोनर ने उसको होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चलो भाई होटल बना लो, थैंक यू फॉर गिविंग अस मनी। ये जो यूज क्रैच माय बैक आइज क्रैच योर्स वाला सिस्टम है इनका, क्या हमें नहीं पता? ये स्मगल करते चीनी बाहर, फिर कहते इम्पोर्ट करो, वीट स्मगल करते बाहर, फिर कहते इम्पोर्ट करो, यूरिया स्मगल करते बाहर, फिर कहते इम्पोर्ट करो। हद तो ये है, खुसरो बख्तियार मिनिस्टर साहब कहते हैं सिंध से अफगानिस्तान वीट स्मगल हो गई। भाई हमारा तो बॉर्डर भी नहीं मिलता, ना जर्मनी जापान का बॉर्डर मिलता है, ना सिंध अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। यहाँ पे किसानों की ऐसी हालत हो रही है, यूरिया नहीं मिल रहा, हमारी गंदम की फसलें तबाह हो रही है। ये आ जाते हैं बम्पर क्रॉप चल रहा है, कौन सा बम्पर क्रॉप? किसान को पूछे खून के आंसू रो रहा है किसान, कौन सा बम्पर क्रॉप? हमें यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा, हमें यहाँ डीएपी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है ब्लैक में वो भी दो बोरी मुश्किल से मिलता है। आप बात क्या करते हैं लोगों के साथ? लोगों से पूछे जिनका दिल जल रहा है इस वक्त, चेयरमैन साहब इस वक्त रोटी कितनी महंगी है, इस वक्त चीनी कितनी महंगी है, लोग भूखे मर रहे, लोग पीट रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी सब कुछ अच्छा है। ये बात क्या कर रहे हैं? ये कौन सी ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं? सदर साहब ने तकरीर की मुबारक हो, सदर साहब ने ये भी किया कि गवर्नर हाउस में बैठ के अपने बेटे का बिजनेस फ्लरिश किया, हमारा भी कराए। आप बात क्या करते हैं? आप लोग पीटीआई जो करे वो शफाफ, आप लोग अपने फॉरेन डोनर को होटल के कॉन्ट्रैक्ट देते विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, वो शफाफ। आप लोग अपनी फॉरेन डोनेशन छुपाते रहे, वो शफाफ। और जब फॉरेन डोनेशन के कच्चा चिट्ठा खुले तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो खतियानी बिल्ली नहीं होती वो खंभा नोचना शुरू हो जाती है, वेरी गुड सब कुछ खुल गया। अरे भाई पहले खोल देते, खतियानी बिल्ली तो खंभा नोचती है, ये कोई बात होती है? मतलब वो बात क्या कर रहे हैं?
आप मुझे ये बताएं, इकोनॉमिस्ट का बड़े फखर से मेरे फाजिल भाई ने रेफरेंस दिया। आज इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान इज द थर्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वही इकोनॉमिस्ट है, आप बताएं क्या है महंगाई? आप कहते हैं महंगाई नहीं है, आप बात क्या करें कि महंगाई नहीं है? 150% दाम बढ़े कुकिंग ऑयल के, 150% 3 महीने में। आप सोचते भी है, बाहर निकल के देखते भी है? अच्छा आपसे जो पूछो, पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत, अरे जब आप 90 दिन 10 बार गुजर चुके हैं, आप बात क्या कर रहे हैं? अब जो होता है आप बोलते हैं पिछली हकूमत। अच्छा और नई बात ये, इमरान खान को कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अब लेटेस्ट ये, इमरान खान को निजाम ही अच्छा नहीं मिला, प्रेसिडेंशियल निजाम ले आओ। मतलब इमरान खान को मौसम नहीं अच्छा मिला, अपोजिशन नहीं अच्छी मिली, कैबिनेट नहीं अच्छी मिली, अब कहता है निजाम ही अच्छा नहीं मिला। अब कहता है निजाम ही अच्छा नहीं मिला, ये पार्लियामेंट्री निजाम ही खराब है। मतलब यहाँ कोई मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? जो आपको अच्छा ना लगे वो खराब, बाकी जो अच्छा, यू वॉन्ट टू टेक क्रेडिट फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ डन। आप आते हैं लेबर फ्लैट के आके सक्कर में इनॉग्रेशन करते थे, हमने बनाए, आप बात क्या कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि जी कौम जो है वो भूल जाएगी, आपको माफी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को माफी नहीं मिलेगी। आप हेल्थ कार्ड की बात करते हर जाए, फिर हुकूमत नहीं करती हेल्थ कार्ड, हम नहीं करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में विदाउट एनी कैप इलाज करते हैं। हम 50 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त में करते हैं। थैंक यू। ये जाए करे, करके दिखाए। इनके पेशेंट हर सूबे से आते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ सिंध में इलाज कराने। अब दे वो हेल्थ कार्ड से पैसे 10 लाख रुपया 50 लाख के कार्ड का। आप लोग बात क्या कर रहे हैं? आपको लगता है इस आवाज में आप जितनी जोर जोर से झूठ बोलेगी आवाज बेवकूफ बनेगी? आवाज बेवकूफ नहीं है। आप बात क्या करें? हर वजीर ये आता है अपनी नौकरी पक्की करके चला जाता है। थैंक यू एनी, थैंक यू प्लीज, थैंक यू वेरी मच जी।